नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बागवानी की पाठशाला में स्वागत है। आज मैं एक दूसरे ऑर्चर्ड पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमने 100 M9 रूट स्टॉक की प्लांटेशन की है और यहाँ पे हमने बांस लगाए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे प्लांटेशन किए हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ हमने हर प्लांट के साथ ये देखिए आप, ये बांस रहता है इसको लगाया हुआ है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखें काफ़ी रिजिड है ये, और इसमें आप देख सकते हैं हमने अभी इसमें तकरीबन 5 वायर भी लगा दिए हैं। यहाँ देखिए आप, और यहाँ पे भी जो हमने डिस्टेंस रखा है रो टू रो, ये 8 फीट है, और जो दूसरा हमारा ऑर्चर्ड है वहाँ पे हमने 7 फीट, 7.5 फीट और 7 फीट रखा है। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 8 फीट है और प्लांट टू प्लांट जो यहाँ का डिस्टेंस है वो 3 फीट है। और यहाँ देखिए किस तरह से हमने इनको बांधा हुआ है, यहाँ देखिए टाई किया गया है प्लांट को इस बांस के साथ। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अगर आपका प्लांट थोड़ा दूर है तो आप इस तरह से दो जो ये है टाई को लगाएं, इस तरह से इनको आपस में टाई कर दें ताकि प्लांट के साथ ये बांस के साथ ये सटा रहे। इस तरह से आपने इनको करना रहता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो बागवान साथी है वो अभी इसमें पानी दे रहे हैं। किस तरह से आपने इसमें पानी देना होता है हम अभी आपको बताते हैं। तो इस तरह से देखिए, जब तक इसमें स्प्राउटिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको इस तरह से इसमें पानी देना रहता है। यहाँ देखिए पूरा जो ये पौधा रहता है इसको पूरी अच्छे से आप इस तरह की फॉग बनाकर इसको पूरी तरह से भिगा दें, और ये प्रोसेस आपको दिन में तकरीबन 5 या 6 बार फॉलो करना होता है। एक बार सुबह धूप लगने से पहले आपको इस तरह से जो भी आपने प्लांटेशन की उसमें इस तरह से आप पानी दें, खाली पानी देना है, किसी तरह के इंसेक्ट पेस्ट या कोई और चीज़ आपने ऐड नहीं करनी है। और उसके बाद दिन को जब तेज़ धूप रहती है उस टाइम आप दिन को तकरीबन 3 या 4 बार इस तरह से पानी दें अपने बगीचे में, और शाम को रात होने से पहले और एक बार आप इसमें इस तरह से पानी दें। इस तरह से आपने पानी देना, अच्छी तरह से आप इस तरह से भिगा दें, इस तरह से आपने भिगाना रहता है। तो यहाँ देखिए आपने ये जो प्लांटेशन है, यहाँ 100 प्लांट्स की जो ये प्लांटेशन है ये बांस के साथ हमने प्लांटेशन की हुई है। यहाँ बांस हमने लगाए हैं और इसमें भी हमने वही किया है, जब हमने ये प्लांटेशन की थी उस टाइम हमने इसकी जो ट्रेंचेस थे उसमें हमने 2 लेयर में गोबर ऐड कर दिया था। हमने ऑलरेडी वीडियो इसकी डाल के रखी है कि किस तरह से हम गोबर उसमें डालते हैं, और हमने फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही सॉइल टेस्टिंग की हुई है, तो हमारा जो कार्बन है सॉइल में वो भी ऑलरेडी ज़्यादा है, और फॉस्फेट भी हमारा ज़्यादा, पोटेशियम भी हमारा ज़्यादा है, और नाइट्रोजन हमारा ठीक है यहाँ पर। तो हमने उसके बावजूद किसी भी तरह का यहाँ पे फर्टिलाइज़र इसलिए हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट है, चाहे माइक्रो हो चाहे माइक्रो, हाँ हमारे यहाँ पर थोड़ी सी जिंक की कमी है तो उसके लिए हम आगे कोई एप्लीकेशन करेंगे। तो आप अपनी ओर से कोई भी चीज़ ऐसी ऐड ना करें, लोग कहते हैं ये वाली खाद से ये होता है, वो वाली खाद आप डालें, तो इस तरह से ना करें। आप ज़रूर पहले अपनी सॉइल को टेस्ट करवा लीजिए, सॉइल टेस्टिंग करें, और उसके बाद जो भी कमी आपके सॉइल में रहती है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉइल में एप्लीकेशन उस चीज़ की करें। और उसमें उन्होंने बताया रहता है कि आपने अगर कोई कमी रहती है तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने कौन सी चीज़ इसमें और कितनी ऐड करनी है, तो वही आप ऐड करें, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने पानी देना होता है अपने बगीचे में जब आप न्यू प्लांटेशन करते हैं M9 रूट स्टॉक पे, तो और ये पानी आपने तब तक देना रहता है जब तक कि आपके इसमें जो ये बर्ड्स रहते हैं, इसमें यहाँ आप देख सकते हो जो जितने भी इसमें बर्ड्स हैं, और जब तक ये बर्ड्स ब्रेक ना हो जाए, इसमें थोड़ी थोड़ी कलियाँ पत्तियाँ सी फटनी ना शुरू हो जाए, तब तक आपको ये पानी इसमें देते रहना होता है। और आज 9 अप्रैल हो चुका है, 9 अप्रैल को हम इसमें, 7 अप्रैल को ये प्लांटेशन भी ख़त्म हो चुकी थी और तब से हम इसमें पानी दे रहे हैं। दिन को हम 6 बार पानी इसमें डालते हैं, बाकी हम अभी कुछ ना, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने इसमें करने का, तो जो हमने ये देखिए प्लांट्स के साथ जो ये हमने एक पिट्स जैसा बनाया इस तरह का, इसमें आपने पानी डालना होता है 6-7 लीटर पानी या 8-10 लीटर, ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर धूप कितनी लगती है। अगर आपके सनी साइड पर, जैसे हमारा सनी साइड पर यहाँ पर है ये बगीचा है, तो हम 10 लीटर तक पानी भी ऐड कर देते हैं, और एक बार ही आपने सुबह इसमें पानी डालना होता है और उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, और फिर अगली सुबह आपने इन पिट्स में
इन पिट्स को, जो ये पिट्स, ये वाले पिट्स हैं, इनको फिर अगले दिन भरना होता है। दिन में एक बार इन पिट्स को आपने भरना रहता है। और जो इस तरह की आपने स्प्रे करनी होती है, ये आपने 5 से 6 बार मिनिमम देनी होती है अगर आपके बहुत ज़्यादा धूप है। और हमारा जो आजकल यहाँ का टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर, वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक चला जाता है, और जो मिनिमम रहता है वो 12 या 13 डिग्री तक होता है। तो एवरेज की बात करें तो 25 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, पानी मारने की इसमें। और बाकी सब जगह जहाँ भी आप प्लांटेशन करें, ये पानी आपको देना ही होगा। तो इस तरह से आपने केयर करनी होती है शुरुआत में अपने, जो आप M9 का जो अपना ऑर्चर्ड आप तैयार करते हैं। और अगर कोई भी बागवान साथी M9 रूटस्टॉक पर काम करना चाहता है, तो इस तरह का एक छोटा सा मॉडल अपने घर के आसपास कहीं भी बना सकता है, जिसमें वो 100 एकड़ प्लांटेशन कर सकता है पहले देखने के लिए कि किस तरह के इसके रिज़ल्ट रहते हैं, कि आप कर पाते हैं या नहीं। तो और इसके अगर यहाँ पे 100 प्लांट लगे हैं, और ये जो प्लांट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये भी वही प्लांट है जो हमने दूसरी वीडियो में आपको बताए। यहाँ देखिए कितने अच्छे फायदे में, इस तरह से इस साइड से आपको ये प्लांट बॉटम से देखिए आप, यहाँ देखिए कितने अच्छे फेदर इसमें निकल गए हैं, ऑलरेडी निकले हुए हैं इसमें फेदर। और ये जो प्लांट है, ये हमें 700 का प्लांट पड़ा हुआ है, और ये नेशनलर जो कंपनी है इटली की, वहाँ से इंपोर्ट होके ये प्लांट आए हुए हैं यहाँ पे। और सभी प्लांट है तकरीबन, और इसमें एक आधी वैरायटी ऐसी है जो 670 या 80 रुपये के हिसाब से हमें पड़ी है, और बाकी Z1 इसमें मोस्टली Z1, यहाँ पे भी Z1 है, और मेमा गाला है 680 रुपये या 70 रुपये का कुछ ऐसा है। तो 3-4 वैरायटी है, मेमा गाला है, फैन प्लस है यहाँ पे लगा, और शनिको भी है, तो उसके भी कुछ प्लांट्स यहाँ लगाए हैं। और इसमें पॉलिनेशन का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि जो इसमें बीच वाली लाइन है जिसमें अभी हम स्प्रे कर रहे हैं, ये सारी लाइन पॉलिनेशन की है, और ये वाली जो आगे वाली लाइन है ये Z1 की, और पीछे वाली जो लाइन है, तीन ही लाइन है यहाँ पे लगी, और ये भी Z1 की है। तो पॉलिनेशन का इसमें खास ध्यान रखना होता है। और जो पॉलिनेशन वाली लाइन में है, इसमें 4 वेराइटियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग वेराइटी के 10-10 प्लांट इसमें हमने लगाए हैं, और 30 प्लांट पीछे को, 30 प्लांट अगली साइड को हमने Z1 के लगा रखे हैं। तो इस तरह से आप एक छोटा सा अपना ऑर्चर्ड इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, अगर आप छोटे लेवल से काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी छोटे लेवल से काम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 100 प्लांट का एक छोटा सा मैनेजेबल ऑर्चर्ड अपना M9 रूटस्टॉक का तैयार कर सकते हैं। अभी इसमें हमने इसमें भी कटिंग करने को ही बाकी है, जब कटिंग करेंगे तो इसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और इसमें जो ये वायर लगी है, ये वायर, ये 2.5 mm की वायर है, ये वाली जो वायर है 2.5 mm की वायर रहती है। ये 1000 मीटर का रोल रहता है, और 1000 मीटर का रोल अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये 9000 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। 9000 रुपये इसकी कॉस्ट होती है, और 50 या 60 किलो के तकरीबन इसका वेट रहता है। तो ये वाली वायर आपको लेनी होती है, और स्टे के लिए इससे एक थोड़ी मोटी वायर रहती है, जब हम स्टे लगाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे उसकी कॉस्ट कितनी रहती है। और 100 प्लांट के लिए जो बांस की आपकी कॉस्ट रहेगी तकरीबन 15,000 से 18,000 के बीच में, क्योंकि अलग अलग जगह पर वेरी करती है, क्योंकि कहीं पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा महंगा ही पड़ जाता है, कहीं पे सस्ता ही पड़ जाता है। तो 15,000 से 18,000 तक आपको 100 बांस मिल जाएंगे। और ये जो वायर रहती है 1000 मीटर का रोड रहता है, इसको वादा करके नहीं देते, ये आपको पूरा ही लेना होता है। तो 9,000 का ये वायर का रोड रहता है। और बाकी हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि जो भी कितना खर्चा, अभी हमारा एक पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें हम पूरा ट्रेंच करने से लेकर प्लांटेशन टन करने तक जितना भी खर्चा आता है उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा, अगर आप ऑर्चर्ड तैयार करें तो कितना खर्चा आता है। क्योंकि जब हमने लगाया था तो हमने सोचा कि उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन जब काम करते गए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मार्केट से लेनी पड़ी, और जो हमारा खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको कितना खर्चा 100 प्लांट के पीछे या 500 प्लांट लगाने के पीछे कितना खर्चा आपका आ जाता है इसमें, और आपने किस तरह से इसमें मेहनत करनी होती है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा ऑर्चर्ड अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बागवान साथी बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल बागवानी की पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल बागवानी की पाठशाला।